सबसे ज्यादा आनंद शंकर जी से पूछा जाए कौन से दिन आता है, तो शिव जी कहेंगे मुझे हर तीज बड़ी पसंद है। शिव जी से पूछा वो क्यों, पार्वती जी ने जो तप करा था, साधना करी थी, उपास करा था, व्रत करा था, पार्वती जी ने ऐसा व्रत करा, ऐसा तप करा, ऐसी साधना करी, उस व्रत से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। सबसे ज्यादा प्रसन्न मेरे शंकर तीज के दिन होते हैं, सबसे ज्यादा प्रसन्न। और माताओं से निवेदन रहा है, बार बार कहते हैं, आप अगर तीज का व्रत नहीं भी करते हो तो भी 5-6 वृक्ष की, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर तीज के दिन शंकर भगवान को समर्पित कर दो, शंकर जी उस व्रत को स्वीकार कर लेते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं मेरे दिल। शिव की प्रसन्नता है तीज का। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना, हरताली का तीज शिव महापुराण की कथा ही नहीं, आप जो तीज करते हो, हरियाली करो चाहे सातुड़ी करो, उस तीज की महत्वता क्या है, इस हिंगोली की शिव महापुराण की कथा में अपने को समझना है कि उसकी मूल तत्वता, उसकी महत्वता है क्या, उसका महत्व क्या है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव, इन तीनों की जो अर्धांगिनियां ब्रह्मानी, लक्ष्मी और पार्वती, इन तीनों ने तप कर साधना कर ब्रह्मदेव को, भगवान विष्णु को और भगवान शंकर को प्राप्त किया, और तीनों ने प्राप्त कर तीनों देवताओं से वर मांगा कि वर हमको ऐसा दीजिए कि हमारे तप साधना का फल नारी को तीज के दिन प्राप्त हो जाए। अब देखिए जरा, एक ही व्रत से, एक ही उपवास से उसको संपूर्ण तप साधना का फल प्राप्त हो रहा, संपूर्ण तप साधना का फल उसको मिल रहा है, मात्र एक व्रत से, केवल एक व्रत कर रहे हैं, संपूर्ण तप साधना का फल उसको प्राप्त हो रहा है। ऐसा कोई व्रत, ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई शंभु विष्णु से मांगा, पार्वती जी ने भगवान शिव से मांगा कि ऐसा वर दे दीजिए जिस वर से एक ही व्रत करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाए, संपूर्ण फल मिल जाए, ऐसा एक व्रत का फल दे दीजिए, मात्र एक व्रत का। अब देखिए, हरियाली तीज करने वाली माताएं थोड़ा ध्यान से सुनना, हरियाली तीज जब माताएं करती हैं तो एक हरियाली तीज, एक गणगौर की तीज, ये दो तीज के व्रत ऐसे होते हैं जिसमें जब माताएं करती हैं तो उस समय पर उमा, ब्रह्मणी और लक्ष्मी, इन तीनों की आराधना का फल उसको केवल एक व्रत से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए दूसरा, सातुड़ी तीज, इसमें उमा और महेश्वर, उमा और महेश, ब्रह्मानी और लक्ष्मी, इन चार के व्रत तप का फल एक साथ सातुड़ी तीज के दिन प्राप्त हो जाता। अब एक आती है हरताली का तीज,
आप लोग करते हो हड़ताली का? यहाँ लोग करते कि नहीं करते? करते हैं यहाँ पे हड़ताली का? कौन कौन करता है जरा हाथ उठाओ तो जरा। अरे सभी करते, रखो रखो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। एक आती है हड़ताली का तीज। इस तीज का व्रत माता पार्वती बेल वृक्ष के आनंद के साथ में फुलेरा बनाकर करती है, और जिसमें इस हड़तालिका में माता पार्वती जी के जितने जन्म पहले हुए हैं। माता पार्वती का जन्म तो 52 नंबर का, 52 नंबर का माता पार्वती का जन्म है। इससे पहले तो माता के 51 जन्म पहले हो चुके, 51 जन्म माता पार्वती का पहले हो चुके। तो वो जितने जन्म माता पार्वती पूर्व में ले चुकी हैं, ब्रह्माणी जितनी बार ब्रह्मदेव के साथ में विराजमान हो चुकी हैं, इंद्राणी जितनी बार इंद्र के साथ विराजमान हो चुकी हैं, और लक्ष्मी चाहे वो राधा के रूप में हो, चाहे वो रुक्मणी के रूप में हो, चाहे वो सतभामा के रूप में हो, चाहे वो यमुना के रूप में हो, चाहे वो गंगा के रूप में हो, जितनी बार माता लक्ष्मी ने रूप धारण करे हैं वो सब रूप में, और माता पार्वती अपने सारे रूप में, ब्रह्माणी अपने सारे रूप में, लक्ष्मी अपने सारे रूप में, इस हड़ताली का तीज के व्रत को करने के लिए आतुर रहती हैं। और इस व्रत को कल कर एक दिन में ही संपूर्ण विश्व का जितना तप है, साधना है, उपवास है, सबका फल एक सांस एकत्रित कर लेती हैं, केवल एक व्रत में हड़ताली का तीज। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, सारे व्रत आपका अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप व्रत छोड़ सकते हैं। जितने भी व्रत आप लोग कर रहे हैं पूर्व के, सोमवार, मंगलवार, एकादशी, छठ, पंचमी, चतुर्थी, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप उस व्रत को छोड़ सकते, सारे व्रत को छोड़ सकते। पर तीज का जो व्रत होता है, हड़ताली का जो व्रत होता है, ये व्रत एक बार लेने के बाद जब प्राण छूटते हैं तभी ये व्रत समाप्त होता है, अन्यथा बीच में ये व्रत समाप्त नहीं। ये व्रत समाप्त होता ही नहीं। अगर शरीर से नहीं बनता कि अब हमारी अवस्था हो गई, अब शरीर से नहीं बन रहा है, तो भले एक पहर की पूजन कर, एक पहर का नियम धारण कर, एक पहर का स्मरण कर, एक पहर का पूजन कर धारण करो, और उसके बाद में भले आप थोड़ा सा जो भी आपको लेना है वो कर लो, पर इस व्रत को करना ही पड़ता है। इस व्रत का नियम ही है। इस व्रत, पार्वती मैं तुम्हें प्राप्त हुआ हूँ, यह हड़ताली का तीज के व्रत का फल है। शिव जी कहते हैं, पार्वती जो नारी हड़ताली का तीज के व्रत का स्मरण करती है, फुलेरा जो बांधा जाता है उसमें 5 माला से ज्यादा माला लटकना चाहिए, 5 से कम नहीं। कितनी? जैसे माला जो लटकाते हो वो 5 से ज्यादा होना चाहिए। 5 तो जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली, देव, इससे अधिक होगी चलेगा, पर इससे कम फुलेरे के अंदर माला नहीं होना चाहिए महाराज। दूसरा, फुलेरा जहां हड़ताली का व्रत हो वहीं पर बांधा जाता है। हड़ताली का तीज का व्रत एक ऐसा व्रत होता है जो मरते दम तक रहता है, इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। ये नहीं किसी और वाले गुरु जी ने कहा और अपन ने एक बार कर लिया और अगली बार वो व्रत गायब हो गया, ऐसा नहीं होता। हड़ताली का तीज अखंड सौभाग्य के लिए, वंश वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, और कुमारी कन्याएं उत्तम वर प्राप्ति के लिए, आनंद सुख के लिए करती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल स्त्री ही करती है। जब नारी किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाती तो पुरुष इस व्रत को धारण करते हैं। 30 अगस्त को, यही 30 तारीख को, कल 29 है, परसों 30 तारीख को हड़ताली का तीज रहेगी। आप सब अपने हृदय से, मन से इस व्रत को कर अपने जीवन को सार्थक बनाइएगा। जो करते हैं, कितने लोग करते हो जरा हाथ उठाइए, हड़ताली का तीज इतने सारे करते हो? अरे बाबा, कर लो, प्रणाम प्रणाम, आपको बहुत बहुत नमन करता हूं, बहुत बहुत सारा। फुलेरा बांधते हो? नहीं, अब की बात बांधना। मंदिर में करते हो तो मंदिर में, घर में करते हो तो घर में। फुलेरा वंश की वृद्धि करता है, फुलेरा अखंड सौभाग्य देता है, फुलेरा मन की कामना को पूर्ण करता है। जो बेटियां जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, या बेटे जिनका विवाह नहीं हो रहा हो,
वो सात स्थान पर कहीं फुलेरा बंदा हो तो फोन लगाकर पूछना कहां बंदा है, वहां का दर्शन करने, एक फूल में हल्दी कुंकू लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर वहां से जाना। सात स्थान के फुलेरे का दर्शन अवश्य करिएगा। जो व्रत नहीं करते हैं उनसे निवेदन है, कहीं हड़तालिका हो रही हो तो वहां बैठकर अगर भजन हो रहे हो तो थोड़ी देर भजन गाने चले जाना, अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, कहीं हड़तालिका तीज का व्रत हो रहा हो तो दो चार मिनट जाकर दर्शन जरूर करना, जिससे भोलेनाथ आपका अखंड सौभाग्य करे और आपके मन की कामना पूर्ण करे।